हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्मोन्स अलग अलग ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रिएट करते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले आ जाता है आपका थाइरॉयड ग्लैंड अब थाइरयड ग्लैंड आपका नेक रीजन में प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में आगे की तरफ प्रेजेंट होता है इसके दो लेटरल लोब्स होते हैं ट्रै के दोनों ही तरफ इसके जो हॉर्मोन्स हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं थायरोक्सिन और टी फोर एंड ट्राई आइडो और टी थ्री अब टी फोर जो होता है वो टी थ्री में कन्वर्ट हो जाता है बाई टू इन्जैम्स कॉल्ड डी आयो ओके देन इनके फंक्शंस के बारे में बात करें तो टी थ्री एंड टी फोर ऑक्सीडेशन एंड मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं बॉडी टिश्यूज़ की ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं एक हार्मोन और हो जाता है आपका कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड सिक्रीट करता है इसका फंक्शन होता है कैल्शियम लेवल्स को कम करना कैसे कम करता है जो कैल्शियम आयन्स हमारी बोन से रिलीज होते हैं उनको सप्रेस कर देता है उसको सप्रेस कर देता है बोन से कैल्शियम को रिलीज नहीं होने देता बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है नेक्स्ट आ जाता है आपका पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड फोर होते हैं फोर इन नंबर होते हैं स्मॉल बॉडीज होती हैं जो कि थायरयड ग्लैंड के जो लोब्स होते हैं उसी में एम्बेडेड होते हैं पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है बाय पैराथायरयड ग्लैंड पैरा का मतलब होता है नियर तो इसका मतलब यह है कि ये थायरयड ग्लैंड के बहुत पास होते हैं पैराथैराइड हार्मोन को हम पैराथॉर्मोन भी कहते हैं और कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं पैराथैरा पैराथॉर्मोन का फंक्शन होता है कि इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फोट लेवल्स इन दर्ड ब्लड जब ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल से कम होता है तो बोन से कैल्शियम आयन्स रिलीज हो जाते हैं ताकि ब्लड में कैल्शियम लेवल्स मेंटेन रहें तो कैल्सिटोनिन जो कि थायरॅड सिक्रिएट करता है उसका जो फंक्शन होता है उससे ऑपोजिट फंक्शन होता है पैराथारमोन का नेक्स्ट ग्लैंड आ जाती है आपकी पीनियल ग्लैंड पीनियल ग्लैंड आपकी लोकेशन की बात करें तो ये दो सेरेब्रल हेमस्फेयर जो होते हैं हमारे ब्रेन में उनके बीच में प्रेजेंट होती है पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रिएट करती है दैट इज मिलेटोनिन जिसको हम हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं स्लीप हार्मोन भी कहते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है इज़ डाइटस फाइफमेथोक्सी एन एसेटल ट्रिप्टमीन इसका फंक्शन ये होता है कि ये क्रोनोबायोटिक की तरह एक्ट करती है हमारा जो सर्केडियम रिदम रिदम है उसको रेगुलेट करती है नेक्स्ट होम होना चाहता है आपका थायमोसिन जो कि इसे करता है थायमस ग्लैंड तो थायमस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं ये लोकेटेड होता है अपर चेस्ट में नियर द फ्रंट साइड ऑफ हार्ट और इसके साथ स्पेशल फीचर यह है कि ये एट्रोफी हो जाती है इसकी ग्रेजुअल एट्रोफी हो जाती है एडल्ट्स में ये जो हॉमोन सिक्रीट करता है दैट इज थाइमोसिन थाइमोपोटिन थाइम्योलिन थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर्स ये सारे ही फैक्टर्स थाइमस ग्लैंड सिक्रीट करता है थाइमस का फंक्शन होता है इट स्टिमुलेट्स द डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एक फंक्शन और होता है इसका कि ये जो एजिंग के इफेक्ट्स होते हैं उसको सप्रेस भी करता है नेक्स्ट आपका ग्लैंड आ जाता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो ये हमारा जो किडनी होती है उसके टॉपर प्रेजेंट होते हैं इनका वजन लगभग फोर टू फाइव ग्राम्स होता है इन एन एडल्ट स्मॉल होते हैं ट्रेंगुलर इन शेप होते हैं इनको हम सुप्र रीनल क्लैंड भी कहते हैं हर इटरनल ग्लैंड का एक आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉर्टेक्स एंड एन इनर पार्ट दैट इज कॉल्ड मेड्यूला एटर्नल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये स्टेराइड हॉमोन सिक्रीट करते हैं एक आ जाते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन होता है दैट इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी आपका ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं आपके मिनरल ओकोटिकोड्स जो कि वाटर एंड मिनरल बैलेंस को रेगुलेट करते हैं एड्रेनल मेड्यूला की बात करें तो इसके टू हारमोन्स हो जाते हैं वन एज एड्रलिन ऑल्सो को नोन एज एपीनेफरिन एंड द वन नॉर एड्रलिन और नॉर एपीनेफरीन दोनों ही हारमोन्स हमारी इमोशंस ब्लड प्रेशर हार्ट बीट रेस्पिरेशन और स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन को रेगुलेट करते हैं कंट्रोल करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड uh, आ जाती है आपकी पेनक्रियाज पेनक्रियाज की बात करें तो ये ऑर्गेन भी है और आपका ग्लैंड भी है एक कंपाउंड ग्लैंड है जो आपके एबडोमिनल रीजन में लोकेटेड होता है आपके स्टोमक के पीछे होता है इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स कहते हैं और ये कुछ हॉमोन से करता है पहला आ जाता है आपका इंसुलिन इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है बाय बीटा सेल्स नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्लूकोगॉन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स नेक्स्ट आ जाता है आपका सोमैटोस्टाटन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय डेल्टा सेल्स एंड द नेक्स्ट वन इज पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल अब फंक्शन की बात करें तो इंसुलिन जो है आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ब्लड शुगर लेवल्स को डिक्रीज करता है नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्लूकेगोन जो कि आपके ग्लूकोज लेवल्स को इंक्रीज करता है नेक्स्ट आ जाते हैं आपके हार्मोन ग्रुप्स में हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस एज द नेम सजेस्ट थैलेमस के नीचे होता है इट लाइज बिलो द थैलेमस और इसके जो हार्मोन्स होते हैं वन वन ग्रुप होते हैं आपके रिलीजिंग हार्मोन्स एंड हार्मोस ग्रुप इज इन्हीबिटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स का फंक्शन होता है कि ये इंटरमीडिएट और एंटीरियर पिट्यूटरी क्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो हार्मोन्स को सिक्रीट करें इन्हीबिटिंग हार्मोन्स का फंक्शन होता है कि ये इंटरमीडिएट एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्हीबिट करते हैं हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए एज एन बेन नेसेसरी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो इसके थ्री लोब्स हो जाते हैं ये भी हाइपोथैलेमस के नीचे होता है और इसको मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं एंटीरियर लोब की बात करें तो उसको हम एडेनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं इसके जो हॉर्मोन्स होते हैं वन ग्रोथ हारमोन और सोमैटोट्रॉपिक हारमोन और ये हमारी बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ मसल्स डेवलपमेंट ऑफ बोन्स डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ग्रोथ हार्मोन नेक्स्ट वन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टीएसएच टीएसएच का फंक्शन होता है दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करे नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोलेक्टिन उसको हम हार्मोन ऑफ मेटर्निटी भी कहते हैं ये हमारी मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है नेक्स्ट आ जाता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन इन मेल्स एंड द प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल्स नेक्स्ट आ जाता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एग्स को स्टिमुलेट एग्स uh, के प्रोडक्शन में हेल्प करता है इट द ओवरीज टू प्रोड्यूस मेच्योर एग्स एंड to produce estrogen also. Next आ जाता आपका adrenocorticotropic hormone और ACTH that stimulates the cortex of adrenal glands to produce its hormones. Next loop आ जाता है आपका intermediate loop that secretes melanocyte stimulating hormone or MSH. इसका function ये होता है कि आपकी skin में melanin की synthesis को stimulate करता है. Next आ जाता आपका posterior loop जिसको जिसमें टू हार्मोन्स आ जाते हैं आपके वन इज वासुप्रसन और एंटी हार्मोन इसका फंक्शन होता है आपके इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना बॉडी में नेक्स्ट हॉर्मोन हो जाता है आपका ऑक्सीटोसिन जो कि स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन को स्टिमुलेट करते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू सो मच